आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को टूटने का इफेक्ट कैसे बनाएंगे हम सिनेमा 4D और आइक्लोन के लिए। तो यहाँ पर हम सिनेमा 4D 19 वर्जन का यूज कर रहे हैं। यदि आपके पास कोई नया वर्जन है तो उसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो सकता है। सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ ये जो क्यूब का ऑप्शन है और हम माउस को प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से स्फीयर हम क्रिएट कर लेते हैं। इस स्फीयर को हम थोड़ा सा फिलहाल ऊपर ले आते हैं ताकि सिमुलेशन इसको हम लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। इसको हम यहाँ से अंडू करें और यदि 4 व्यू में जाकर के आप इसको करना चाहते हैं, सपोज एग्जांपल यहाँ ये फ्रंट व्यू है तो इसको इस तरह से ड्रैग करके हम इसको ऊपर लेकर के आ सकते हैं। तो जस्ट यहाँ से मूव टूल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके ऊपर लेकर के आ सकते हैं। नाउ वंस अगेन आपने यहाँ जाना है तो आपने माउस के व्हील को आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसको पैनिंग करने के लिए आप यहाँ पर जो जूम आउट है या फिर पैनिंग करने के लिए आपने अल्ट प्रेस करना है और माउस के व्हील को आप प्रेस करेंगे तो इसकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। इसका शेप चेंज करने के लिए हम यहाँ से FFD हम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। FFD पर हमने क्लिक करना है। FFD अभी हमारा नीचे है, इसको भी हम ड्रैग करके इस तरह से ऊपर ले आते हैं तो इसको लगभग हम सेंटर कर लेंगे। माउस के व्हील पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ 4 व्यू में आ जाएंगे और आप इसको यहाँ से देख सकते। साथ में जो FFD है वो हमें, हम FFD को चाइल्ड बनाएंगे इस पेयर का, तो FFD को हमने सेलेक्ट करना है और इस तरह से इस पेयर पर हमने ड्रैग कर देना है। नाउ यहाँ पर FFD को हमने क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और ये जो पॉइंट का ऑप्शन हमको दिख रहा है इसको हम सेलेक्ट करें। इसके बाद आप यहाँ से सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें और यहाँ पर फिलहाल हम रेक्टेंगल सिलेक्शन को सेलेक्ट करें और हम अल्ट के साथ माउस के व्हील को प्रेस करेंगे या फिर अल्ट के साथ हम क्लिक करके इस तरह से व्यू पोर्ट को हम मैनेज करेंगे। फिलहाल हम इस तरह से ड्रैग करते हुए ये जो पॉइंट है इनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ हम ड्रैग करें। यहाँ पर स्केल टूल का हम यूज करेंगे और इनको हम स्केल कर लेते हैं ताकि ऊपर से ये थोड़ा सा जो अंडे का शेप है बिल्कुल वैसा हो जाए। यहीं पर हमने माउस को क्लिक करना है, अल्ट के साथ आप माउस को प्रेस करते हुए इसकी जो डिफरेंट पोजीशन है उसको आप यहाँ पर ले सकते हैं और इस तरह से इसको हम इसके सभी व्यू में तो हम देख सकते हैं तो यूज कर रहे हैं और नीचे से भी यदि से चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम ऊपर लेकर के आए और यहाँ से इसके स्केलिंग को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी स्केलिंग को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपने इसको सभी व्यूपॉइंट से एंगल से देख लीजिए, इसके शेप को मैनेज कर लीजिए। फर्स्ट हमने यहाँ पर स्फीयर को सेलेक्ट किया है, देन कंट्रोल के साथ हमने FFD को सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने क्लिक करना होगा कनेक्ट ऑब्जेक्ट डिलीट, तो ये अप्लाई हो चुका है, देन डिलीट हो चुका है। यदि हम इस पे कोई टेक्सचर या फिर कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे क्रिएट का ऑप्शन हमको दिखेगा। यहाँ न्यू मटेरियल पर हम क्लिक करें और जो भी कलर हम यहाँ पर या जो भी मटेरियल हम बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो मटेरियल यहाँ क्रिएट हो चुका है इसको हम ड्रैग करें या फिर डायरेक्टली यहाँ पर हम ड्रैग कर सकते हैं तो ये मटेरियल यहाँ अप्लाई हो जाए। इसके बाद में इसका जो थिकनेस है, जब ये अंडा टूटेगा तो इसकी जो थिकनेस, इसकी जो खोल की मोटाई होगी वो कितनी होनी चाहिए ये कंफर्म करने के लिए हम यहाँ सिमुलेशन टैग पर जाएंगे, क्लॉथ पर जाएंगे और यहाँ पर क्लॉथ सरफेस हम अप्लाई करेंगे। इस पेयर को हम चाइल्ड बनाएंगे क्लॉथ का, तो हमने इस पेयर को यहाँ पर क्लिक करना है और इस तरह से ड्रैग करेंगे क्लॉथ पर। अब ये जो क्लॉथ है तो क्लॉथ की प्रॉपर्टीज हम देखें, जो इसकी थिकनेस है वो अभी 0। यहाँ पर इसको जितना भी हम इसकी थिकनेस देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। फिलहाल अभी हमने इसको 5 दिया है। आप इसको एक बार थिकनेस अप्लाई करके देन इसको तोड़ करके देखेंगे कि क्या हमें इसकी थिकनेस रखनी है। साथ में यहाँ पर फिलहाल इसको हम मिनिमाइज कर रहे हैं और अभी हमें यहाँ पर इसको अप्लाई करना होगा
हम मोरफर में जाएंगे और यहाँ पर अब रनी फैक्चर इसको हमने क्लिक करना होगा, ये अप्लाई हो चुका है। अब ये जो क्लॉथ है इसको हम चाइल्ड बनाएंगे इस तरह से। तो जैसे ही हम इसको चाइल्ड बनाते हैं ये जो इफेक्ट है इस पर अप्लाई हो चुका है। बाय डिफॉल्ट 90 फ्रेम है, इसको कितने समय तक हम चलाना चाहते हैं उतने फ्रेम हम यहाँ पर दे देंगे। सपोज इसको 200 फ्रेम इसको हम चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर 200 फ्रेम हमने देना है। एंटर की हमने प्रेस किया है और ये सभी फ्रेम इस तरह से हम आगे की तरफ ले आए। अब यदि हम प्ले करेंगे सपोज एग्जाम्पल, अभी हम कुछ सेटिंग यहाँ पर कर लेते हैं। फिलहाल हम यहाँ नीचे आए तो अभी जो आपका ये ऑब्जेक्ट है ये जब टूटेगा तो अभी ये ठोस है बिल्कुल, और आप चाहते हैं जो कि क्लॉथ हमने अप्लाई किया था जो सरफेस के लिए, यदि आप इसके थिकनेस को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको होलो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो होलो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसको ठोस ही नहीं रखेगा, जैसे अंदर से खोखला होता है उस तरह से हो जाएगा। अगेन हम यहाँ नीचे आए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जितने कलर यहाँ पर हमको दिख रहे हैं उतने भागों में ये फिलहाल टूट चुका है। और इसको यदि हम मैनेज करना चाहते हैं तो हम यहाँ नीचे यहाँ पर क्लिक करना है इसके सोर्स पर और थोड़ा सा ड्रैग करें हम, तो यहाँ से आप इसकी क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। फिलहाल ये जो कलर दिख रहा है इसको हटाने के लिए आपने क्लिक करना होगा, आप यहाँ पर यहाँ आपने क्लिक करें, देन अभी आई थिंक ये ठीक है। अब यदि हम इसको प्ले करेंगे तो इसको प्ले करने के लिए यहाँ पर फिलहाल कोई भी एनिमेशन यहाँ पर नहीं अप्लाई है। फर्स्ट हम राइट क्लिक करें और देन हम जाएंगे यहाँ से सिमुलेशन टैग पर और यहाँ पर इसको रिजिड बॉडी हम अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही इसको हम प्ले करेंगे रिजिड बॉडी अप्लाई है लेकिन वो जस्ट नीचे जा रहा है, तो उसको एक हमें फ्लोर देना होगा जिसके ऊपर की वो जा करके रुके और देन टूट जाए ब्रेक हो जाए। इसके लिए हम नाउ अभी इसको स्टॉप करें, बैक आए तो फिर से आएंगे हम यहाँ जो क्यूब का ऑप्शन है और यहाँ से एक प्लेन हम क्रिएट करेंगे। ओके जो बाकी ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो चुका है उसको हम डिलीट करें और यहाँ से हम अल्ट को प्रेस करेंगे और माउस के व्हील के साथ। अब ये जो प्लेन है तो इसको अभी समझ नहीं आएगा प्लेन क्या है, तो प्लेन को हमने यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और सिमुलेशन टैग पर जाएंगे, इसको रिजिड बॉडी हम अप्लाई करेंगे। अब यदि हम यहाँ पर इसको प्ले करेंगे तो ये टूट चुका है देन नीचे जा चुका है। इसके बाद हम बैक आए यहाँ से तो जमीन से नीचे गिर रहा है, मीन्स ये है कि प्लेन का साइज हमें बढ़ाना होगा, तो इस तरह से हम प्लेन के साइज को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर प्ले करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टूट चुका है। हम बैक आए यहाँ से तो ऑब्जेक्ट जो टूट रहा है उसकी स्पीड को आप मैनेज कर सकते हैं। उसकी स्पीड को मैनेज करने के लिए ये जो डायनामिक ऑप्शन है यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इसमें इसका जो बाउंस है और इसका जो फ्रैक्शन है और जो ऑक्लूजन नॉइज है इसको आप यदि इसके पैरामीटर को यहाँ पर आप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो एनिमेशन है अब यदि हम यहाँ पर प्ले करेंगे उसकी स्पीड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते। इसके बाद इसके जो वर्नी फैक्चर है यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में इसको हमने एडिटेबल पोनी पोली में इसको हमने कन्वर्ट करना होगा, तो जस्ट पोली पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो प्ले का बटन है इसको हम प्ले करेंगे तो ये मल्टीपल जो पॉलीगॉन्स है वो इसके बन जाएंगे। नाउ इसको हम यहाँ पर स्टॉप करें और इसके बाद ये यहाँ पर जो हमने इफेक्ट अप्लाई किया था यहाँ पर हमने क्लिक करना है, जो डायनेमिक इफेक्ट हमने अप्लाई किया था, और उसके बाद यहाँ पर एक कैसे का ऑप्शन है यहाँ पर हमने क्लिक करना है और उसके बाद इसको बेक ऑल हम करेंगे तो ये यहाँ पर बेक ऑल हो चुका है। देन फिलहाल हम यहाँ से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और एनिमेट एनिमेट ऑप्शन पर हम जाएंगे। यदि जो न्यू वर्जन है तो एनिमेट का ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाएगा।
अब हमें यहाँ इसके फ्रैक्शन पर जाना होगा और यहाँ से वेक ऑब्जेक्ट पर हमें क्लिक करना होगा और यहाँ से ओके बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सारे की फ्रेम जनरेट हो चुके हैं। यदि ये की फ्रेम बन गए हैं तो आप इसको आईक्लाउड में यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको आईक्लाउड में यूज नहीं कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ से हम बैक आ सकते हैं स्टार्टअप मोड में और ये जो हमारा एनिमेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये एक कॉपी यहाँ पर क्रिएट हो गई है, तो इस कॉपी को ही आप लेकर के जाएंगे, इसी को आप यूज कर सकते हैं किसी अदर सॉफ्टवेयर में, जो ओरिजिनल है उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो हमने इस कॉपी को सेलेक्ट करना है, उसके बाद फाइल पर जाना है और यहाँ से एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको हम FBX एक्सपोर्ट करेंगे और जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसी को हम एक्सपोर्ट करेंगे। और फिलहाल हमने हम इसको डेस्कटॉप पर और यहाँ पर हम एक फोल्डर फॉर आईक्लोन और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या जो भी नेम आप इसको देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। सेव बटन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, यहाँ पर हम जो सिलेक्टेड है ऑब्जेक्ट वेक फॉल भी हमारा सेलेक्ट है वो हमने एक्सपोर्ट करना है और यहाँ पर जो सिलेक्शन ओनली इसको आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ से ओके बटन पर हम क्लिक करेंगे। हमारा एनिमेशन एक्सपोर्ट हो चुका है। यदि आप इसको iClone 7 में यूज करना चाहते हैं तो पहले आप इसको 3D Action में ले आए, और यदि आप इसको iClone 8 में यूज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से फाइल में जाएंगे, ओपन पर जाएंगे और जहां पर भी हमारा जो हमने अभी एनिमेशन क्रिएट किया है इसको हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ से ओपन पर हमने क्लिक करना है, ओके बटन पर हम प्रेस करेंगे, यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट हम कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आए हम तो देखिए एनिमेशन में ये जो हमारा एनिमेशन है वो यहाँ पर हम मिल चुका है। अब यदि हम प्ले करेंगे इस तरह से आप टूटने का इफेक्ट बना सकते हैं सिनेमा 4D और आईक्लो।